प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पहले राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य जनजातियों में समग्रता की भावना को बढ़ाना है। इस उत्सव में जनजातीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। हाईकोर्ट द्वारा अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद भी सोनभद्र जिले में हो रहे अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इसे लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप के मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान की तरफ से किसी के भी पेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी होने के बावजूद वो पेश नहीं हुए, जबकि उनकी तरफ से किसी को पेश होना ही चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को याचिका की कॉपी और नोटिस आजम खान को देने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई आज होगी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनी एमराल्ड कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक को 17 होम बायर्स को इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप चाहे डूबे या मरे, लेकिन होम बायर्स का पैसा तो आपको हर हाल में लौटाना ही होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय 10 माल एवेन्यू पर यूपी कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर, पीएल पुनिया, अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री के राजू, अनुसूचित जनजाति विभाग के चेयरमैन और पूर्व विधायक श्री भगवती प्रसाद चौधरी, साथ ही अनुसूचित जाति विभाग के कोऑर्डिनेटर शशांक शुक्ला भी मौजूद होंगे। टाटा समूह ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया है। इसके बाद रतन टाटा को 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 4 महीने में नए चेयरमैन की नियुक्ति करनी होगी। इधर टाटा ग्रुप के सबसे बड़े हिस्सेदार शाहू जी और पलोन जी ग्रुप ने टाटा ग्रुप के इस फैसले को अवैध बताया है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अमेरिका की लताड़ मिलने के अगले ही दिन पाकिस्तान हरकत में आ गया। उसने सोमवार को जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर सहित 5,100 से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों के बैंक खाते जब्त किए हैं। इन खातों में 40 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए जमा होने के अनुमान है।